नेपाल की संसद के निचले सदन ने विवादित नक्शे को मंजूरी दे दी है, जिसमें भारत के तीन हिस्सों कालापानी, लिपुलेक और लिम्पियादोरा को शामिल किया गया है। भारत ने नेपाल के नए नक्शे को अस्वीकार कर दिया है और कहा है कि यह ऐतिहासिक तथ्यों या सबूतों पर आधारित नहीं है। दोस्तों, स्वागत है आपका। भारत नेपाल के बीच सीमा विवाद अब गहरा गया है। दरअसल नेपाल की संसद के निचले सदन ने शनिवार को विवादित नक्शे को मंजूरी दे दी है। वहीं संसद में नक्शे को लेकर संविधान संशोधन प्रस्ताव पास हो गया है और इस नए नक्शे में नेपाल ने भारत के तीन हिस्सों कालापानी, लिपुलेक और लिम्पियादोरा को अपने देश में शामिल किया है। बिल के पास होने के बाद स्पीकर ने कहा कि इस कदम से नेपाल की दशकों से चली आ रही सीमा रेखा के मजबूत होने का संकेत मिलता है, जिसने दोनों पड़ोसियों के बीच में संबंधों को मजबूत किया है। इधर भारत नेपाल के नए नक्शे को अस्वीकार कर दिया है और कहा है कि यह ऐतिहासिक तथ्यों या सबूतों पर आधारित नहीं है। अब यह बिल राष्ट्रीय सभा संसद के ऊपरी सदन और फिर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद पूर्ण रूप से कानून बनाया जाएगा। वहीं सीमा विवाद को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख प्रचंड ने कहा है कि नेपाल मामले को उलझाना नहीं चाहता और शांतिपूर्ण ढंग से समझौता करना चाहता है। आपको बता दें कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 8 मई को उत्तराखंड के लिपुलेख से तिब्बत की सीमा को जोड़ने वाली 180 किलोमीटर की सड़क का उद्घाटन किया था, जिसके बाद नेपाल ने 18 मई को अपने संशोधित नक्शे को प्रकाशित किया था। इस नए नक्शे में नेपाल ने भारत की कालापानी, लिपुलेक और लिम्पियादोरा को अपना हिस्सा बताया था। इसके बाद फौरन भारत ने आपत्ति जताई और कहा कि भारत अपनी अखंडता से कोई समझौता नहीं कर सकता। वहीं नेपाल द्वारा जारी नया नक्शा ऐतिहासिक तथ्यों से काफी दूर है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत का अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि हम अपनी जमीन वापस लेकर रहेंगे। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इस बिल के खिलाफ नेपाल में जनता समाजवादी पार्टी के सांसद सरिता गिरी ने अपना विरोध दर्ज कराया था। उन्होंने संशोधित बिल को वापस लेने और पुराने नक्शे को बहाल करने की मांग की थी। इसको लेकर उन्होंने एक प्रस्ताव भी जारी किया था, जिसे स्पीकर अग्नि प्रसाद सपकोटा ने अनुच्छेद 112 के तहत अस्वीकार कर दिया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चीन की ये चाल जो उसने नेपाल के थ्रू चली है, कामयाब हो पाएगी? आप अपनी कमेंट हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बता सकते हैं और आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।